देहरा विधानसभा क्षेत्र के तहत विकासखंड नगरोटा सूर्या की पंचायत मसरूर के गांव पीर बिंदली स्थित प्राचीन लखदाता पीर बिंदली परिसर स्थल में 30 मई सोमवार को मेले का आयोजन किया गया। मेले में कुश्तियों के आयोजन में जिला परिषद वीना धीमान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वीना धीमान ने कुश्ती अखाड़े को मिनी स्टेडियम का रूप देने के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेले हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं और इनको संजोए रखना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। विरासत में मिले इन मेलों में जहां कुश्तियां मुख्य आकर्षण का केंद्र होती हैं, इस अवसर पर मेले में दूर दूर से पहलवानों ने कुश्तियों में जोहर दिखाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मेले की कुश्तियों में बड़ी माली बब्बू पहलवान प्रागपुर व अमृतपाल पहलवान गोलबाग के बीच हुई, जिसमें गोलबाग का पहलवान अमृतपाल विजेता रहा। जीतने वाले को 18,000 रुपए व हारने वाले को 15,000 रुपए नगद इनाम दिया गया, जबकि छोटी माली काशी पहलवान राजा का तालाब व कुलविंदर पहलवान लंच के बीच हुई। राजा का तालाब के काशी पहलवान ने छोटी माली जीतकर देसी घी का टीन व 500 रुपए अपने नाम कर लिया, जबकि हारने वाले पहलवान कुलविंदर को 5,000 रुपए नगद इनाम दिया गया। कुश्तियों की कमेंट्री कांगड़ा के दीपक ने बड़े ही मजे हुए तरीके से की। मेला व कुश्तियों के आयोजन का सहयोग करने वालों का मेला कमेटी के प्रधान त्रिलोक सिंह, उप प्रधान मदन सिंह, मुख्य सलाहकार मुल्तान सिंह, सचिव अनिल कुमार व सदस्य सिकंदर सिंह गुलेरिया, अमर सिंह, विनोद कुमार, रमेश चंद, मिलाप सिंह, सतीश कुमार, सुरेंद्र कुमार व सतेंद्र कुमार, कल्याण सिंह, रणवीर सिंह, साहिब सिंह, चैन सिंह, राकेश कुमार, अनिल कुमार झंडोरिया व संजय कुमार ने धन्यवाद किया। आप मसरूर वासियों ने मेरे को यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आप सभी का अति धन्यवाद करती हूँ। एक बार मुझे पहले भी बुलाया गया था, अभी 2-3 दिन पहले ही लोग भाई जी और आज मेरे पास बोले कि यहाँ पे चिंज का आयोजन है, आपने आना है। तो बड़ा अच्छा ये मेला है, जो मेले का कुश्ती मेला, इसमें जो मुख्य आकर्षण होता है कुश्ती का होता है। जब जो मेला होता है तो ये जो मेले होते हैं और त्योहार होते हैं, ये हमारी संस्कृति के परिचायक होते हैं, जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिलते हैं। और आजकल के जमाने में बच्चे कहाँ मेला देखने जाते हैं, कुश्ती का आनंद कहाँ लेते हैं। जो पहले जो जहाँ बैठे हुए हैं सभी ज्यादातर पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, आजकल के बच्चे तो मोबाइल में गेम्स देखना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं तो चाहूंगी कि हमें जो जनरेशन वाली पिछली है, इनको अपने बच्चों को साथ लेके आना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता लगे कि मेले क्या होते हैं। मेले में हम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, उनके परिवारों से मिलते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं, और मेले में आकर हम अपनी पूरी चिंताएं भूल जाते हैं। हमें लगता कि नहीं कि हमारे हमें कोई चिंता है। तो आप सभी इस समय सभी बिना किसी चिंता के इस कुश्ती में बड़े मगन हो गए। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी। मेरे को यहाँ प्रबंधक कमेटी वालों ने बोला है कि हमें एक स्टेडियम की जरूरत है, तो मैं यहाँ स्टेडियम के लिए आप सभी को 3 लाख रुपए अपने फंड से दूंगी, और कम पड़ेगा तो फिर मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके लिए कुछ और पैसे का प्रावधान करूं। मेरी तो यही कोशिश रहती है, जब भी मैं जिला परिषद सदस्य बनती हूं तो मेरे को जब कभी मौका मिला, आपने मेरे को बुलाया, तो मैंने हमेशा चाहा कि जहां इलाके की डेवलपमेंट हो, और मेरी जितनी कोशिश हो सकी मैंने इलाके के डेवलपमेंट के लिए काम किया, और आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया। इस कारण में जब मैं जिला परिषद सदस्य के लिए खड़ी हुई तो मैं यहाँ ज्यादा समय नहीं दे पाई, क्योंकि थोड़ा मेरे फैमिली प्रॉब्लम थी, मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके बावजूद भी आप लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया, तो मैं आपके जो एहसान कभी नहीं भूल सकती। इसीलिए मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपका जो स्टेडियम है अच्छा बन सके, जहाँ कहीं भी हो सके मैं आपको इसके लिए फंड का प्रावधान। हिमाचल प्रदेश के लिए नगरोटा सूर्या से प्रेम स्वरूप शर्मा की रिपोर्ट।